जिंदगी में जो कुछ मिला वो बेहतरीन, व्हाटएवर वी गेट इन लाइफ, कुछ भी अचीव किया, दैट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग, और जो कुछ ना मिल सका उसमें बेहतरी थी, मे बी इट वॉज बेटर। हम अहले गफलत के हालात को देख के बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं, मगर खुद भी ख्वाबे गफलत में घिरे हुए और शहवात के पीछे ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हो। सो द डेफिनेशन ऑफ लाइफ वेल लिव्ड, फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ लाइफ वेल लिव्ड इज नॉट अबाउट विनिंग और लॉसेस, बट इट्स अबाउट अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एडवेंचर, अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बट इन दोज मोमेंट्स ऑफ लाइफ, इस सारे मोमेंट्स में लाइफ के, देर विल बी हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, बट देर विल बी सैडनेस एज वेल, देर विल बी सक्सेस but a lot of failures as well, a lot of obstructions, aur kafi muqamat pe bahut aaram se zindagi guzregi, koi obstruction nahi aayega, par kafi muqamat pe kafi obstructions aayenge life. So if you don't have a vision of life, if you don't know what you are supposed to do in this world, so you will follow your nafs, and at the end of life you will look back and you say ki maine apne 20s or 30s koi mistake ki thi. You know, you look back at your 20s and your 30s and you'll say I wasted a lot of time, I wasted a lot of resources, और जो मैंने विजन सोचा था स्टार्ट में अपनी लाइफ के 20s में 30s में जो विजन सोचा था वो सारा नफ्स का तरीका था, जो नफ्स ने उसे गाइड किया था। सो इफ यू डोंट हैव अ विजन ऑफ लाइफ एंड यू डोंट नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन दिस वर्ल्ड, यू बेटर स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट। इवन व्हाटएवर वी डू इन लाइफ, हम कोई भी चीज अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा अपना नफ्स हमें कबूल नहीं करता, हमारे विजन को कबूल नहीं करता। एंड फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन योर डेथ बेड, अपने डेथ बेड पे, एंड बिसाइड योर बेड देयर इज अ गोस्ट ऑफ dreams, a ghost of ideas, a ghost of thoughts, a ghost of vision, all gifted to you by life, but you for whatever reason never pursued those dreams, and now they are looking at you with angry eyes and they are telling you that they will die with you. You are the person who could give them life, but they will be buried with you. So if I am going to see a vision, if I have a vision of life, aur main apne nafs ko usme defeat kar deta, hara deta hu, and main vision soch leta hu what I love to do and I try to learn on that, matlab main us cheez ko sikhunga jo mujhe pasand hai, and that is the vision of my life, to maine अपने नफ्स को वहां पे हरा दिया, एंड नाउ द पीपल विल कम अप टू मी एंड दे'ल से तू नहीं कर सकता, मैं पब्लिक स्पीकर थोड़ी ना बन सकता हूं। मतलब अरे वो पब्लिक स्पीकर बने ना, उसको देख के कर रहे हैं ना, वो पब्लिक स्पीकर बने, उसके पास ना अपॉर्चुनिटीज ज्यादा, दैट्स व्हाई ही बिकेम अ पब्लिक स्पीकर, उसके पास पैसा ज्यादा था इसलिए वो पब्लिक स्पीकर बने। अरे आखिरी दलील आपको क्या मिलेगी, उसके साथ अल्लाह था, अल्लाह तेरे साथ थोड़ी ना, अल्लाह ने उसका साथ दिया, अल्लाह तेरे साथ थोड़ी ना, तू थोड़ी ना पब्लिक स्पीकर बन सकता है। इन सारी चीजों से निकलने के लिए यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, और डाउट्स एंड डिजायर्स से दूर रहे। अल्लाह सेज इन कुरान, जो लोग अल्लाह पे डाउट करने लग जाते हैं अपने विजन को लेके, अल्लाह के दीन पे डाउट करने लग जाते, अल्लाह की तकदीर पे डाउट करने लग जाते हैं, अल्लाह सेज अल हक्कु मिन रब्बिका फला तकुनन्ना मिनल मुमतरीन, द ट्रुथ इज फ्रॉम गॉड, सो डोंट बी फ्रॉम दोज हु डाउट। सिर्फ हक अल्लाह की तरफ, शक करने वालों से मत करो, चाहे वो शक अपने आप से रिलेटेड हो, अपने अल्लाह से रिलेटेड हो, अपने लोगों से रिलेटेड हो, रिसोर्सेज से रिलेटेड हो। यू हैव टू गो थ्रू द सिस्टम, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी लाइफ में, प्रॉब्लम्स मेरी भी थी आगे भी आएंगी, एंड आई विल एक्सेप्ट, हर स्टेशन पे प्रॉब्लम आएंगी, यू हैव टू गो थ्रू दैट सिस्टम। डायमंड भी ऐसे ही डायमंड नहीं बनता, प्रेशर से टेम्परेचर से गुजर के डायमंड बनता है, सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू गो थ्रू द सिस्टम।